आजादी का अमृत महोत्सव जानते हो क्या है? यस बताओ। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 में। इस वर्ष हम कौन सी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएंगे? 75 में। तो 15 अगस्त 2022 को हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक उससे 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया था क्या ये वाला अभियान? क्या नाम है इसका? आजादी का अमृत महोत्सव। क्या नाम है? आजादी का अमृत महोत्सव। अच्छा, क्या आपको पता है 12 मार्च को ही क्यों शुरू किया गया था इसे? क्योंकि 12 मार्च को ही गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक आंदोलन भी जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था। यानी भारत में हम नमक नहीं बना सकते थे, जो विदेशों से आया था वही नमक हमें खाना पड़ता था। तो इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और 12 मार्च को एक दांडी यात्रा, दांडी नामक जगह से यात्रा प्रारंभ करी, साबरमती नदी के तट पर जाकर उसे समाप्त किया, नमक बनाया और तब नमक भारत में खुद बनने लगा। तो इसीलिए 12 मार्च से इसकी शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? आजादी के अमृत महोत्सव की। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों करी गई? 75 वर्ष हो गए ना आजादी को, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए, कुछ खास रूप में पूरे देश में मनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम टाइम टाइम पर, समय समय पर हमें बताती है जो हमने करे, है ना। जैसे कि देश की सफल महिलाओं का सम्मान किया हमने, है ना। और अब हमें 11 से 17 तक क्या करना है? हर घर तिरंगा। क्या करना है? हर घर तिरंगा, हर एक घर पे तिरंगा फहराना है। ठीक है, क्या करना है? हर एक घर पे तिरंगा फहराना है। ठीक है, इसके अलावा हमें देश के शहीदों को याद करना है, उनकी कहानियाँ, किससे कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका सम्मान करना है। तो ये